भारत की धड़कन कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के एक जिले में दूसरों की बहू बेटियों को किराए पर खरीदा और बेचा जाता है, जिनके लिए बकायदा मंडी भी सजाई जाती है। दुनिया भर में ऐसी कई प्रथाएं हैं जो कुप्रथा तो लगती ही है, साथ ही इनके बारे में सुनते ही व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसी ही एक प्रथा मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आज भी चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ महिलाओं के लिए पुरुष बोली लगा सकते हैं, उन्हें तय समय के लिए किराए पर ले सकते हैं और इसके लिए वो बकायदा एग्रीमेंट भी करते हैं। इसके लिए कुंवारी लड़कियों से लेकर शादीशुदा महिलाओं तक किराए पर ली जा सकती है। दरअसल ये सब होता है एक प्रथा के नाम पर, जिसका नाम है थड़ीचा प्रथा। क्या है थड़ीचा प्रथा? मध्य प्रदेश के शिवपुरी में चलने वाली इस प्रथा में दूसरों की बहू बेटियां किराए पर ली जा सकती है। इसके लिए हर साल एक तय समय होता है जब मंडी लगाई जाती है। इस मंडी में औरतों और लड़कियों को खरीदने के लिए दूर दूर से पुरुष आते हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इस मंडी में कुंवारी लड़कियों से लेकर दूसरों की बीबियां तक किराए पर दी जाती हैं। इस मंडी में पुरुष महिला का चाल चलन देखकर उसका दाम लगाते हैं। जब किसी पुरुष को कोई लड़की या महिला पसंद आ जाती है तो वो 1.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर करार कर एक निश्चित समय के लिए महिला को ले जाते हैं। इस एग्रीमेंट पर दोनों पक्षों की शर्तें भी लिखी होती हैं। 3,000 से शुरू होती है कीमत। इस मंडी में महिलाओं की कीमत 65,000 रुपए से शुरू होती है, जो 4 लाख रुपए तक भी हो सकती है। ऐसे में पुरुष महिला की कीमत लगाकर 1 साल या उससे कम समय के लिए महिला को अपने घर ले जाते हैं। दोबारा बनवाया जा सकता है एग्रीमेंट। यदि किसी पुरुष को महिला पनसदा गई हो और उसे उसके साथ और समय बिताना हो तो उसे मंडी में जाकर दोबारा एग्रीमेंट बनवाना होता है और फिर रकम अदा करनी होती है, जिसके बाद फिर कुछ समय के लिए वो फिर उसी महिला को किराए पर ले सकता है। महिलाओं को क्यों किराए पर ले जाते हैं पुरुष? पुरुष अपनी अलग अलग जरूरतों के लिए महिलाओं को किराए पर ले जाते हैं। जैसे किसी को माँ की सेवा करवाना होती है तो वहीं कोई शादी का नाटक करने के लिए किराए पर ले जाता है। इसके अलावा किसी की शादी नहीं हुई है तो कुछ समय किराए पर ली हुई महिला के साथ बिता सकता है। महिला तोड़ सकती है एग्रीमेंट? अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई महिला एग्रीमेंट तोड़ सकती है? तो बता दें कि इस तरह के मामले में पत्नी को एग्रीमेंट तोड़ने का पूरा अधिकार है। यदि वो रिश्ते में खुश नहीं है तो अपने करार को बीच में तोड़ सकती है। ऐसा करने के लिए उसे स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। इसके बाद उसे तय राशि खरीदार को लौटानी होती है। कई बार महिलाएं दूसरे पुरुष से ज्यादा रकम मिलने पर भी ऐसा करती हैं।